नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की पीसी। पहली कैबिनेट बैठक के बाद में मीडिया से हुए रूबरू। सुशासन दिवस पर मनाया बोनस देने का ऐलान। रायपुर में नई सरकार की कैबिनेट की प्रथम बैठक। मुख्य सचिव को सौंपा घोषणा पत्र। नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री रहे मौजूद। रायपुर में बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने दिया बयान। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा कांग्रेस पार्टी में बनी है भगदड़ की स्थिति। लखनपुर में सियान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन। सरपंच ने बुजुर्गों को किया सम्मानित। शॉल और फल देकर किया सम्मानित। कोरबा में घर के बाहर खड़ी कार में लगाई आग। नशे की हालत में दो युवकों ने खड़ी कार में लगाई आग। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहली कैबिनेट बैठक के बाद में मीडिया से रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस पर भी अपने सुशासन दिवस पर धान का बकाया बोनस देने का ऐलान किया और इसके साथ ही कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करने के बाद में फैसला लेने की बात कही है। आज के इस प्रथम प्रेस वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, सीएस आदरणीय अमिताभ जैन जी, जनसंपर्क विभाग के हमारे अधिकारी और मीडिया के सभी साथीगण और कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, हम लोगों को आने में थोड़ी देरी हुई, इसलिए मीडिया के मित्रों से सबसे पहले क्षमा चाहते हैं। और आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा विश्वास किया और जितनी हम लोग कल्पना नहीं किए थे उससे भी ज्यादा बड़ी सफलता हम लोगों को दिलाने का काम किया। 54 सीट हमारी पार्टी ने हासिल किया। रायपुर के महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई सरकार की कैबिनेट की बैठक में आपको बता दें कि मुख्य सचिव अमिताभ जैन को क्रियान्वयन हेतु घोषणा पत्र सौंपा और इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव और साथ ही आपको बता दें कि विजय शर्मा भी मौजूद रहे। और साथ ही आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि शासन और प्रशासन विकास की गाड़ी के दो पहिए, हम सबको मिलकर राज्य को आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी कहा कि लोकतांत्रिक परंपरा में नागरिक प्रशासन और शासन एक दूसरे के पूरक हैं और हम सब मिलकर ही राज्य को विकास की ओर अग्रसर करेंगे। आपको बता दें कि नई सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक हुई और मुख्य सचिव को क्रियान्वयन हेतु एक घोषणा पत्र भी सौंपा गया और नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री भी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि घोषणा पत्र सौंपा गया और इस अवसर पर डिप्टी सीएम अरुण साव और साथ ही आपको बता दें कि विजय शर्मा भी वहां पर मौजूद रहे और सीएम विष्णुदेव साय ने शासन और प्रशासन विकास की गाड़ी के दो पहिए हैं और हम सबको मिलकर राज्य को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि लोकतांत्रिक परंपरा में नागरिक प्रशासन और शासन एक दूसरे के पूरक हैं, हम सब मिलकर ही राज्य को विकास की ओर अग्रसर करेंगे।
तो वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे इल्जाम को लेकर दो पूर्व विधायक को कांग्रेस पार्टी द्वारा पार्टी से निकाले जाने को लेकर बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अभी डरी हुई है, जो बड़े बड़े वादे कर रही थी अब कांग्रेस पार्टी में भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। विधायक अग्रवाल ने ये भी कहा कि विधायकों को निकालने से पहले समीक्षा करनी चाहिए थी, कि निकालने से पहले दो पूर्व विधायकों की बात सुननी चाहिए थी और इसलिए अब बाहर बोलने की स्थिति आ रही है। और उन्होंने कहा कि जहां पर हिटलर शाही चलेगी वहां पर यही स्थिति होगी। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया, जहां पर ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा है। कांग्रेस पार्टी में उन्होंने कहा कि भगदड़ मची हुई है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दो पूर्व विधायकों की बात सुननी चाहिए थी और इसलिए अब बाहर बोलने की स्थिति आ रही है। उन्होंने कहा कि जहां पर हिटलर शाही चलेगी वहां पर स्थिति ऐसी ही रहती है। कांग्रेस पार्टी द्वारा पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे इल्जाम को लेकर दो पूर्व विधायक को कांग्रेस पार्टी द्वारा पार्टी से निकाले जाने को लेकर बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने ये तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अभी भी डरी हुई है, जो बड़े बड़े वादे कर रही थी अब कांग्रेस पार्टी में भगदड़ की स्थिति है। विधायक अग्रवाल ने कहा कि विधायकों को निकालने से पहले समीक्षा करनी चाहिए थी, निकालने से पहले दो पूर्व विधायकों की बात भी सुननी चाहिए थी। देखिए, कांग्रेस अभी भयभीत है, डरी हुई है और वो सपनों में जी रही थी और बड़े बड़े वादे कर रही थी और अब कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। और दो पूर्व विधायकों को निकालना, पहली बात तो समीक्षा कर लोगों की बात सुननी चाहिए थी और वो स्थिति नहीं होने के कारण बाहर बोलने की परिस्थिति में लोग आ रहे हैं। तो जहां पर भी अधिनायकवाद चलेगा, हिटलर शाही चलेगी, वहां ये स्थिति होगी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय पर तो कांग्रेस को और डूबने की स्थिति आने वाली है। लखनपुर में वर्तमान के युवकों और साथ ही जिम्मेदार परिवार के सदस्यों में एक नया सोच का विस्तार करते हुए गुमगरा कला सरपंच की तरफ से सियान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और एक नए संदेश समाज में प्रेषित करने के लिए ग्राम पंचायत सरपंच लोकनाथ उड़े की तरफ से एक नया पहल भी की गई है। और इस नई पहल करते हुए गांव के 60 साल से ऊपर बुजुर्गों को साल और फल देकर भी सियान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और आपको बता दें कि यहां के सरपंच की तरफ से एक नई पहल भी की गई जो अत्यंत सराहनीय है। आपको बता दें कि सियान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही आपको बता दें कि एक नया संदेश समाज में प्रेषित करने के लिए ग्राम पंचायत सरपंच लोकनाथ उर्रे की तरफ से एक ये नई पहल की गई है। इस नई पहल करते हुए गांव के 60 साल के ऊपर बुजुर्गों को साल और साथ ही शॉल भेंट किया गया और फल देकर उन्हें सम्मान कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। और यहां के सरपंच की तरफ से एक नई पहल की गई है जो कि काफी सराहनीय भी है। लखनपुर में विधायक राजेश अग्रवाल ने धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया और उन्होंने प्रबंधक से धान खरीदी धान उठाव वारदाने को भी लेकर जानकारी दी और विधायक ने धान बिक्री करने वाले पंजीकृत किसानों से भी चर्चा की है। विधायक राजेश अग्रवाल की तरफ से अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र लगातार मूलभूत समस्याओं तत्काल निराकरण को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान बीजेपी मंडल अध्यक्ष दिनेश साहू, अल्पसंख्यक अध्यक्ष नसरत अली समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंबिकापुर में पुलिस अधीक्षक सरगुजा के निर्देशन में थाना मणिपुर की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई और आपको बता दें कि घटनाओं पर अंकुश लगाने की विशेष टीम गठित कर पता और साथ ही तलाश के निर्देश भी। आरोपियों की धरपकड़ लगातार जारी है। पुलिस ने दो पहिया वाहन चोरी के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बाइक और एक स्कूटी बरामद की है। पूरी कार्यवाही में थाना प्रभारी मणिपुर, निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, सहायक उप निरीक्षक नवल दुबे, सहायक उप निरीक्षक बबलू कुजूर और आरक्षक अतुल शर्मा, सैनिक और दिनेश यादव शामिल रहे। पूरे प्रदेश भर में हर 3 साल में पंचायत सचिवों का चुनाव होता है, जिसके अंतर्गत सचिवों का चुनाव होने के साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष को भी चुना जाता है। और इसी तरह से कोंडागांव जिला अंतर्गत 5 ब्लॉक आते हैं और इन सभी ब्लॉकों में
सचिव संघ का अध्यक्ष चुना जाता है और जिसके तहत में फरसगांव जनपद पंचायत के सभागार में फरसगांव ब्लॉक के पंचायत सचिव संघ का भी निर्वाचन प्रक्रिया से अध्यक्ष चुना गया और मुख्य निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मण शोरी और पर्यवेक्षक सैदपाल पटेल की उपस्थिति में चुनाव को संपन्न करवाया गया। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव में अध्यक्ष पद के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण बघेल और संभाग प्रवक्ता उमेश पांडे ने अपनी दावेदारी पेश की, जिसमें क्षेत्र के सभी सचिवों ने अपने मत का प्रयोग कर अध्यक्ष को चुना है, जहां पर चुनाव में लक्ष्मण बघेल को 25 मत मिले और उमेश पांडे को 26 मत मिले और इस तरह से उमेश पांडे ने एक मत से जीत हासिल की है और फरसगांव ब्लॉक के नए सचिव संघ के अध्यक्ष बने हैं। प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के निर्णय अनुसार 10 दिसंबर 2023 से पूरे छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंडों में ब्लॉक सचिव संघ के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। उसी तारतम्य में उसी परिपालन में हमारे कोंडागांव जिलों में जिले में 10 दिसंबर से चालू हो चुका है, जिसमें इसके पूर्व हम 2 ब्लॉक का निर्वाचन कर चुके हैं और आज हमारे कोंडागांव जिला की ब्लॉक इकाई फरसगांव के सचिव संघ ब्लॉक अध्यक्ष का निर्वाचन रहा है, जिसमें 3 अभ्यर्थियों ने अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें से 1 अभ्यर्थी ने अपना नाम वापस लिया, जिसमें 2 अभ्यर्थी हमारे चुनाव प्रक्रिया में भाग लिए और मतदान के उपरांत आज 1 मत से हमारे उमेश कुमार पांडे को बहुमत प्राप्त हुआ है और विजयी घोषित हुए हैं, जो आज हमारे ब्लॉक इकाई फरसगांव की अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। ब्लॉक इकाई सचिव संघ फरसगांव के सभी सचिव साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने वर्ष 2023 के इस ब्लॉक अध्यक्ष के निर्वाचन में मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने साथ देकर मुझे मनोनीत किया है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। शिवपुरी नगर पालिका प्रशासन विधानसभा चुनाव के बाद शहर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसके तहत में बाजार में दुकानों के आगे सड़क पर रखे सामान को हटाकर 1 दर्जन से ज्यादा दुकानदारों पर जुर्माने की कार्यवाही को नगर पालिका के अमले ने अंजाम दिया है और इसके साथ ही दुकानदारों को भी सड़क पर सामान न रखने की हिदायत भी दी गई और नगर पालिका CMO का भी कहना है कि लगातार बाजार में अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी और रास्तों पर जाम जैसे हालात भी बन रहे थे, जिस वजह से नगर पालिका प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। आप सभी जानते हैं कि व्यस्त मच्छी बाजार है, कोट रोड है, व्यस्त बाजार है और यहाँ पे डेली वाले हैं, सामान बाहर निकालने के लिए यातायात अवरुद्ध होता है। इसी तहत हम लोग आज कार्रवाई कर रहे हैं कि उन लोग समझाइश दे रहे हैं, साथ में ऐसे लोग हैं उनको जुर्माना भी कर रहे हैं कि यातायात सुगम रहे, आदमी को आमागम से होता है। कोशिश है निरंतर हर सप्ताह हम लोग विकास दिन करें और निरंतर करें, क्योंकि निरंतर करने से ही प्रभाव पड़ता है, इसलिए कार्रवाई से ज्यादा पड़ती है। कटनी गोल बाजार रामलीला मैदान में आपको बता दें कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हाईकोर्ट प्रयागराज ने विवादित ईदगाह में पुरातत्व सर्वेक्षण कराने के आदेश भी जारी किए हैं। वहीं गोविंद सरकार सेवा समिति ने इस आदेश का स्वागत भी किया और ढोल नगाड़ों के साथ में दीप प्रज्वलित कर उत्साह मनाया और इस दौरान कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के प्रदेश मंत्री गोविंद सरकार आनंद महाराज के साथ साथ हनुमान मंदिर पुजारी OBC महासभा के नेता महेंद्र गुरु सोनी और कर्णी सेना के जिला सचिव सौरभ ठाकुर और लीला कमेटी कटनी के कार्यकर्ता जनों की उपस्थिति भी रही। आपको बता दें कि पुरातत्व सर्वेक्षण करने के आदेश जारी किए गए हैं और गोविंद सरकार सेवा समिति ने आदेश का स्वागत भी किया, ढोल नगाड़ों के साथ में दीप प्रज्वलित कर उत्सव भी मनाया गया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें कटनी की हैं जहां पर गोविंद सरकार सेवा समिति के ने आदेश का जो है वो स्वागत किया है और ढोल नगाड़ों के साथ में दीप प्रज्वलित कर उत्साह भी मनाया गया। बाजार गोविंद बाजार में आज जो न्यायालय ने फैसला दिया है कि जहां कृष्ण जन्मभूमि थी वहां का वहां मस्जिद जो बनी हुई है वहां का निरीक्षण करके और फैसला दिया जाएगा कि वहां कृष्ण जन्मभूमि होना चाहिए या मस्जिद होना चाहिए, उसकी खुशी को हम लोग जताते हुए इस उत्साह को पर्व के लिए पर्व रूप में मना रहे हैं और यह धर्म की बहुत बड़ी जीत है। कृष्ण जन्मभूमि के जो मुक्ति दल के पक्षधर हैं उनके लिए आज बहुत बड़ा उत्सव का दिन है। शंकरगढ़ पुलिस ने किसानों के खेतों से होने वाली पंप चोरी मामले में बड़ी सफलता हासिल की। आपको बता दें कि 2 समरसेबल पंप 3 मोटर पंप के साथ में चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस को मुखबिर से कुछ युवक पंप बेचने की फिराक में
शंकरगढ़ घूम रहा था, वहीं पुलिस ने शिव प्रसाद नामक व्यक्ति को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर कबूल किया कि टुल्लू पंप चोरी करने में उसी के हाथ है और उनके साथ चार सदस्य और भी हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों को कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। खबर बालाघाट से है, जहां पर गढ़ी थाना अंतर्गत सूपखार के खमकोद दादर और जंगल में भी हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि 14 लाख का इनामी नक्सली मतकमा हिडमा उर्फ चैतू को हॉक फोर्स ने मार गिराया है। आपको बता दें कि चैतू और उसके साथ ही लंबे समय से क्षेत्र में सक्रियता बढ़ती जा रही थी। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रिंग रोड मिशन चौक के पास में प्रतापपुर नाका की ओर से तेज रफ्तार में आ रही छाबड़ा बस अनियंत्रित होकर ओमनी वाहन को ठोकर मारते हुए घर में जाकर घुस गई और घटना के बाद में स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर क्लीनर को तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया और इसी के साथ में घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस को जब्त कर लिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। खबर अंबिकापुर से है, जहां पर मेडिकल कॉलेज के गेट पर एक बेटे ने अपने बीमार पिता को छोड़कर फरार हो गया और आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के कर्मियों के सहयोग से बीमार पिता को भर्ती कराया गया। वहीं लोगों ने बताया कि अनजान व्यक्ति अपने पिता को लेकर अस्पताल पहुंचा और बीमारी के हालत में छोड़कर अस्पताल से गायब हो गया, जिसका अभी तक कोई भी अता पता नहीं है। लखनपुर के ग्राम कुंवरपुर में तेज रफ्तार से आ रहे छोटा हाथी के ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और 4 महीने के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घायल महिला और उसके बच्चे को इलाज के लिए लखनपुर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद में गंभीर स्थिति में उसके मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लाया गया, उसे जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। गरियाबंद जिले के अंतिम छोर में बसे अमलीपदर क्षेत्र के बीडी घाट चेकपोस्ट में एक बार फिर से प्रशासन ने ओडिशा से धान ला रहे एक पिकअप और उसमें रखे 40 कट्टा धान को जब्त किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में धान की अच्छी कीमत मिलने के चलते सीमावर्ती इलाकों में ओडिशा के धान को खपाने की लगातार कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से प्रशासन ने देवभोग और अमलीपदर इलाके में 1.5 दर्जन चेकपोस्ट बनाए हैं ताकि ओडिशा से आ रहे धान की तस्करी को रोका जा सके। वहीं धान तस्करी की सूचना पर प्रशासन की टीम बीरी घाट चेकपोस्ट पहुंची, जहां पर एक पिकअप धान को जब्त कर कार्यवाही की गई है। पूरा मामला गरियाबंद का है और आपको बता दें कि यहां पर घर के बाहर खड़ी कार में आग लगा दी गई और घर के बाहर खड़ी कार में आग लग गई और युवकों ने खड़ी कार में आग लगा दी है। और साथ ही आपको बता दें पूरा मामला अमलीपदर का है और ये जो पूरी घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज अवैध धान के परिवहन करते हुए मेरे द्वारा आज के दौरा में मैं आया था बीरी घाट चेक पोस्ट में, तो वहाँ से बिक्की सिंधी का एक पिकअप में 40 कट्टे बोरा का धान का अवैध परिवहन करते पाया गया, जिसका कार्रवाई करके थाने में हम लोग वहाँ भेजकर पावती लेंगे, ये कार्रवाई किया गया है। खबर कोरबा से है, जहां पर रात करीब 12 बजे के आसपास दो युवकों ने मिलकर घर के बाहर खड़ी कार में आग लगा दी है और ये पूरी घटना बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और मिली जानकारी के अनुसार युवक नशे की हालत में घटना को अंजाम दे रहा था, वाहन मालिक की सजगता में आग लगाने वाले आरोपी पकड़ा गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। आपको बता दें पूरा मामला कोरबा का है, घर के बाहर खड़ी कार में आग लगा दी गई, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं और युवक घर के बाहर खड़ी कार में आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं।
खबर विधानसभा चितरंगी से है, जहां पर समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देशानुसार दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामर्थ्य प्रदर्शन किए जाने का निर्देश भी जारी किया। इस कार्यक्रम में पहले से आठवीं कक्षा के प्राथमिकी और माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राएं भी सम्मिलित भी रहेंगे। और आपको बता दें कि इसी के साथ में प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। और वहीं इस कार्यक्रम में एमआरसी चितरंगी अरविंद पाठक, जन शिक्षक संजय सिंह, प्रधानाध्यापक जो हैं वो शिव पूर्वा, हरिमंगल सिंह सहित कई विद्यालयों के शिक्षकगण भी मौजूद रहेंगे। ग्रामीण अंचलों में डाकघर की सेवाएं प्रदान करने वाले ग्रामीण डाक सेवा अपने लंबे समय से चलते आ रहे हैं और कई मांगों को लेकर एकजुट भी हो रहे हैं। ग्रामीण डाक सेवा अपनी मांगों को लेकर 12 दिसंबर मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही और यह हड़ताल देश भर में एक साथ आयोजित की गई। वहीं कोंडागांव जिले में 1000 से भी अधिक ग्रामीण डाक सेवक भी हड़ताल पर बैठ गए। हड़ताल से ग्रामीण डाकघर की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आपको बता दें कि इस संबंध में हड़ताल में बैठे डाक सेवकों ने बताया कि केंद्र सरकार ग्रामीण डाक सेवकों को हमेशा से चलते आए हैं, जिसके चलते सभी लोग एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन संपूर्ण हड़ताल, काम बंद, कलम बंद, टूल्स बंद कर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोगों को सरकार ने 4 घंटा का काम देता है और 10 घंटा काम कराता है, और हम लोग ने 16 दिन का हड़ताल किए थे, 14 दिन का, उस समय सरकार ने अपना तलवार, क्योंकि मैंने रिटायर्ड जज था ना, तलवार सिंह कमेटी का मतलब बैठाया, उन्होंने सरकार खुद बैठाया और तलवार कमेटी हमको दिया कि परमानेंट करो बोल के। जब सरकार ने बैठाया, हमने तो नहीं बैठाए, उसको नहीं मान रही है सरकार अभी तक। अब मैं 18 साल से काम कर रहा हूं यहां पर, 18 साल पे मेरे उम्र से, आज मेरा 40 साल मतलब सर्विस में हो गया, 45 साल हो रहा है, और अभी मैं क्या करूं, ऐसे टाइप का हो गया है कि सरकार हमको कुछ भी नहीं दे रही, कोई सुविधा नहीं दे रही है, 1 लाख रुपया दे रही है, जो क्या करेगा आदमी। हम लोग का यही है कि हम लोग 8 घंटा का ड्यूटी मांग रहे हैं, हमको 8 घंटा काम भी कर रहे हैं हम लोग 8 घंटा, यही हमारी मांग है, और हमको परमानेंट करे, 8 घंटा का काम दे। हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमको कम से कम 8 घंटे का कार्य दिया जाए, 8 घंटे पारित किया जाए। अभी हमको सरकार ने 7 घंटे पारित करने को तैयार हो गया है, जिसको हम लोग नहीं मान रहे हैं। हमको TRCA देती है, हम सैलरी मांग रहे हैं, हमको जिस दिन सैलरी दे, 8 घंटे काम देगी तो सैलरी भी दे देगा, और यह मांग को सरकार को मानना पड़ेगा। नहीं मानेगा तो हम भी उनको, वो जिस नींद में सोया हुआ है उसी नींद में हम परमानेंट सुला देंगे। अभी दूसरा कदम उठाने के लिए हमारे यूनियन के लीडर जैसा हमें आदेशित करेंगे, जो दिल्ली लेवल पे हैं, उनके अनुसार ही हम लोग कदम उठा रहे हैं। नारायणपुर में प्रारंभिक जीवन कौशल और बाल शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर इस उपक्रम का उद्घाटन हुआ था और नई शिक्षा नीति के तहत जिला प्रशासन ने स्कूल ऑफ क्रिएटिविटी नागपुर के साथ में मिलकर ये अनोखी पहल भी की जा रही है। और महिला और बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी रविकांत ध्रुवे के मार्गदर्शन में इस उपक्रम का संचालन भी हो रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला नारायणपुर का है, जहां पर प्रारंभिक जीवन कौशल और बाल शिक्षा को बेहतर बनाने के अभियान भी लगातार चलाए जा रहे हैं। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर इस उपक्रम का उद्घाटन भी हुआ था। बसना थाना प्रभारी आशीष वासनिक और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने, आपको बता दें कि ओडिशा से ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध रूप से धान भरकर ला रहे 2 व्यक्तियों को पकड़कर 102 पैकेट धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने में सफलता हासिल की है। और पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ओडिशा से ग्राम सलक पानी के बॉर्डर होते हुए छत्तीसगढ़ की ओर ट्रैक्टर वाहन में भारी मात्रा में धान ले जाया जा रहा था, और सूचना पर पुलिस स्टाफ ने के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली में रखे 102 बोरी धान को जब्त कर लिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। झाबुआ जिले के मेघनगर का गांव
बाड़ीसेरा के जंगल से मवेशी चराने गए 3 मासूम बच्चों पर तेंदुए ने हमला कर दिया और बताया जा रहा कि गुवाली जंगल के बाड़ीसेरा बिट में तेंदुए ने हमला कर 3 बच्चे जिसमें से एक बालिका और 2 बच्चों को गंभीर रूप से दबोच लिया गया, जिसमें तीनों बच्चे पूरी बुरी तरह से जो है वो घायल हो गए और वहीं ग्रामीण जन घायल बच्चों को मेघनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाए जहां उनके तीनों बच्चों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा और वहीं तेंदुए के हमले से ग्रामीणों में भय का भी माहौल देखने को मिल रहा है। बकरी वगैरह जंगल है कि हमारा गांव बांडीसरा में, तो वहाँ ये ग्वाले गाय बकरी चराने गए थे जंगल में, लंबा छोड़ा जंगल है, तो सुबह के टाइम पे बच्ची को पकड़ लिया जानवर ने। जानवर साहब ये तेंदुआ हो सकता, लकड़ बगा भी हो सकता, शेर भी हो सकता था। और फिर शाम के 4 बजे 2 बच्चों को और पकड़ लिया। 3 पेशेंट आए हैं टोटल, एक लड़की है 16 साल की और 2 लड़के हैं लगभग 8 से 10 साल के। तीनों को टाइगर बाइट किस्ती है, मतलब उनके वुंड है लेसिरेटेड और नेल बाइट की भी 5 से। एक को तो हमने यहीं पे ट्रीटमेंट दे दिया है, प्राइमरी ट्रीटमेंट तीनों को दे दिया है, इंजेक्शन डाइक्लोफेनेक वगैरह जो जो रिक्वायरमेंट है, ब्लीडिंग उनकी कंट्रोल कर दी है। पर 2 के काफी डीप वुंड है स्केपुलर रीजन पे और हिप पे, इसीलिए उनको हम रेफर कर रहे हैं। हमारे ग्वाली सब रेंज का है, वहाँ पर मुझे जैसे ही सूचना मिली मैं झबुआ से, हमारे ट्रेनिंग से वहाँ से आ रहा हूँ और गवर्नमेंट में इनका पूरा जो भी मुआवजा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are